नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनंजय शर्मा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड लीगल हेल्प ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, आपने नोट किया होगा कि जब कोई व्यक्ति अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि अपनी अचल संपत्ति जैसे कि बिल्डिंग हो या कोई लैंड हो उसको ट्रांसफर करता है या उससे जुड़ा कोई ट्रांजेक्शन करता है, जैसे कि उसने इस प्रॉपर्टी को सेल आउट यानी उसको विक्रय कर दिया, उस प्रॉपर्टी को उसने लीज पर यानी किराए पर दे दिया, उस प्रॉपर्टी को उसने मॉर्गेज कर दिया यानी उसने उस प्रॉपर्टी को गिरवी रख दिया, या फिर उसने उस प्रॉपर्टी को उसने गिफ्ट दे दिया, दान दे दिया, यदि ऐसे कोई ट्रांजेक्शन करता है तो वो उस दस्तावेज का जिसके द्वारा वो ट्रांजेक्शन वो कर रहा है उसका वह पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करवाता है। तो यहां गौर करने वाली बात है कि उस व्यक्ति द्वारा उस दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण क्यों करवाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर किन किन परिस्थितियों में किसी दस्तावेज का अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना आवश्यक है, यानी कि रजिस्ट्रेशन कब कब कंपलसरी होता है और रजिस्ट्रेशन क्यों कराया जाता है। तो भारत में किसी भी डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 बना हुआ है। तो जब भी कभी किसी व्यक्ति द्वारा कोई लीगल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया जाता है, जैसे कोई व्यक्ति कोई सेल डीड यानी कोई विक्रय पत्र या फिर कोई लीज डीड किरायानामा एग्जीक्यूट यानी निष्पादित करता है, तो निष्पादनकर्ता द्वारा उसका पंजीकरण कराया जाता है। उसका पंजीकरण इसलिए कराया जाता है ताकि वह डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में आ जाए और उसका गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हो जाए। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए कंस्ट्रक्टिव नोटिस का काम करता है। तो यदि कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है और कोई भी व्यक्ति यह प्ली लेता है कि उसे उस डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूट होने की जानकारी नहीं थी, तो वह प्ली वह नहीं ले सकता क्योंकि डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन उसके लिए कंस्ट्रक्टिव नोटिस का काम करेगा। तो यह थे कुछ प्रमुख कारण जिसकी वजह से किसी डॉक्यूमेंट को किसी भी व्यक्ति द्वारा रजिस्टर करवाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका की पंजीकरण कंपल्सरी तौर पर करवाना आवश्यक होता है। तो सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अनुसार कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं जिनका की रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, कंपलसरी है। इसमें सबसे पहले आता है गिफ्ट डीड यानी दान पत्र। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई तोहफा देता है, दान देता है, तो उस डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है। दूसरा आता है नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स। जब कोई नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के फेवर में कोई राइट इंटरेस्ट या टाइटल अराइज होता है और उस इंस्ट्रूमेंट की कीमत 100 रुपए या उससे अधिक है, तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो वसीयत के अलावा होते हैं। तो इससे कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि वसीयत का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं होता है। तीसरा आता है नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा कोई कंसिडरेशन यानी कोई प्रतिफल को अदा करना या उसको प्राप्त करने का एक्नॉलेजमेंट उसका अंकित किया जाता है, यानी कि कोई व्यक्ति कोई किसी दूसरे व्यक्ति को प्रतिफल अदा करता है या उससे प्राप्त करता है और उस बाबत वो कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करता है जिसमें कि प्रतिफल का प्राप्त होना अंकित किया गया है, उस डॉक्यूमेंट को भी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। चौथा है लीज डीड। जब कोई लीज डीड 1 साल से अधिक समय के लिए बनाई जाती है तो उसे रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। इसीलिए आमतौर पर कोई भी किरायानामा या लीज डीड 11 महीने के लिए बनाई जाती है ताकि कि उसके रजिस्ट्रेशन फीस व्यक्ति को नहीं देनी पड़े। लास्ट में कोई डिक्री या कोई ऑर्डर जब कोई कोर्ट पास करता है जिससे कि किसी व्यक्ति के फेवर में कोई राइट इंटरेस्ट या टाइटल अराइज हो जाता है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर और उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की कीमत 100 या 100 से अधिक रुपए की है, तो उस डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन करवाना भी कंपलसरी है। तो यदि हम एक नटशेल में बात करें तो कोई भी डॉक्यूमेंट जिससे किसी व्यक्ति के फेवर में राइट इंटरेस्ट या टाइटल अराइज होते हैं और उस डॉक्यूमेंट की कीमत या उस प्रॉपर्टी की कीमत 100 या 100 से अधिक रुपए की है, तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।